करो मन को। अब ये मन उतना रस लेगा क्योंकि मन वहीं से आया, बुद्धि भी वहीं से आई, चित्त भी वहीं से आया, अहंकार और वहां इनके सबके भंडार है, अपने अपने भंडार में पहुंच जाएंगे, तीन लोग के मालिक हो गए। अब इनका हुक्म चलेगा सब पर, वही तो स्रोत समझाती है कि वे तीन लोग के मालिक थे। या तुम मार खा रहे हो, भी खा रहे हो, न तुमको आराम न हमको आराम, हमारा साथ दो तो तुम अपने खजाने में पहुंचो और शासन करो तीन लोग पर, तुम्हारे हुक्म को कोई नहीं डाले। इस तरह से सूरज मन को समझाती है, वो कहते हैं मन को मोड़ो, बोलो अनहद घंटा सुन सुनरी जो शंख बजाओ रस ने घंटा बज रहा तो सुन सुन करके मोहित हो जाओ, ऐसी आवाज है उसकी, और संगीत बज रहा है उसका, उसमें से रस उतर रहा अमृत, उसको पियो पियो, उसी में से आवाज आ रही है, तय जल कमलते हो उसमें जो ते स्वरूप से आवाज बज रही है। अब ऐसे दूर होने से तो घटता है, लेकिन नजदीक पहुंच जाओ तो कोई बात बाणी है, बाणी बोला कुछ कह रहा, फिर घटता नहीं है, लेकिन दूर होने से घनन 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 घन और संगो बटोर से बचता है, ऐसे बोलना तो बोलते तो है, जब नमाज पढ़ते अजान जोर से चिल्लाते, वो अजान दे रहा चौबीस दो घंटे बोलता रहता है एक रात, आप उसको नहीं जानते। अब वो समझा रहे महापुरुष, देख मैं पहला आता तुझे खुल के तभी बोलो, यह पहला स्थान बताया सतगुरु स्वामी वरन सुना, मिल जाएंगे ऊपर जाने वाले तो सबका भेद बताएंगे। अब ये पहला स्थान, फिर ये बताएंगे दूसरा स्थान, फिर बताएंगे तीसरा स्थान, फिर बताएंगे चौथा, और फिर तब बताएंगे पांचवा स्थान, क्योंकि इन्होंने सब देखे, एक एक को दिखाते जाएंगे और ये दिखाएंगे, दर्शाएंगे, दिखाएंगे सामने, देखोगे पूरी रचना जो बात बात की है वो सबको दिखाएंगे, सब कैसी जमीन है वहाँ की, कैसे बताने वहाँ की नदी नाले कैसे, तो ये नदी नाला नहीं है, इस तरह का पानी, ये मिट्टी टिका नहीं, वहाँ मिट्टी नहीं है, वहाँ मिट्टी है नहीं वहाँ पर, अब वो किस चीज का बना है वो तो वहाँ देख रहे थे मालूम होता है, मिट्टी नहीं है, सब वैसे प्रकाश निकलता है, ऐसा खजाना है वहाँ। बोलो अब चलो सजनी दूसर धाम निरखो त्रिकुटी गुरु का धाम, चलो आगे दूसरा मुकाम है, फिर कहेंगे इसको तुमने पार कर लिया, चलो तीसरे मुकाम पर, तो रास्ते से ले चलेंगे, कहा मान ले तू मेरा घर, इसमें मत फंस जा, काल ने जल बिछाया, अगर इसमें फंस गए तो फिर मैं उस तरह आपको नहीं मिलता, आपकी मिला है बड़े भाग से, ये तन तुमने बड़े मुश्किल से प्राप्त किया, अब नहीं मिला रहा आपकी मिल गया। ओंकार धुन जा विश्राम गरजे बादल आओ घन श्याम, अब वो कहते हैं भाई दूसरा स्थान है तो मैं तो आपको नामदान दूंगा, नामदान सुबह नहीं दे पाए क्योंकि वो इस तरह का सत्संग ही था कि अगर पूरा नहीं सुनाते हैं अधूरा रह जाता है तो समझ में नहीं आएगा, तो सुबह का सत्संग में दिन लगे, यानी मतलब ये है कि तीन तीन चार चार घंटे को समझाना, तब पूरा बता समझ में आएगा विधि विधान से, और समझ जाओगे तो फिर निकलेगा नहीं, और समझाना जब छोड़ दिया तो फिर उसके समझाने का मौका लगा ना लगा छूट जाता है, क्योंकि ज्यादा समय हो गया तो छोड़ देते हैं, तो हमने तो पूरा समझाया पूरा बताया, तो सब विधि से बताया पूरा, जहाँ से आए वो जहाँ मालिक है जहाँ, और जिस तरह से रचना हुई है जैसे जीवात्माएं आई और भेजी गई सब बताया क्यों से क्यों। अब स्थान अलग अलग कर रहे हैं कि चलो तुम वहाँ पहले स्थान पर,
फिर दूसरे में तीसरे में चले चले, तुमको दर्शाते चले दिखाते चलेंगे, चलते चलो और चढ़ चले और रुको मत, जितना कहें उतना चलो आगे, चलते ही चलो अपने घर में पहुंचना है। बीच में कहीं रुकना नहीं, बीच में पहुंच जाते हैं। जब अंतिम मंजिल पहुंच जाओगे तो खुद ही मालूम हो जाएगा मैं अपनी मंजिल पर आ गया, अपने देश में आ गया। देश में दस्ते ही प्रवेश होते ही पता चल जाएगा मैं अपने घर आ गया, और दूसरे घर में रहोगे तो पता नहीं चलेगा। तो मैं नामदान आपको सुना, ये पहला स्थान है तो तुम्हारे अंदर का अंदर रास्ता गया है, देखने वाली आँख भी तुम में, सुनने वाले कान भी। तो सुनोगे रूप को देखोगे, रचना को और उसकी आवाज जो वहाँ सबकी हो रही है उसको सुनोगे, और जो वहाँ सुगंध है उस सुगंधी को रक्षा लेंगे। तो तीनों चीजें उस सूरत में और शरीर में दो दो, तो आग दो कान दो नाक, उसमें एक आँख एक कान एक था। अब आपसे कहा जाए तो कथा वार्ता इतना सुनते हो कोई नहीं कहता है तीन आँख है तीन कान है तीन नाक, ये कोई बताता नहीं। सूरत में एक आँख एक कान एक नाक है, इतनी कथाएं सुन डालते हो और आपको सुनाया जा रहा है, तुम्हारे पास तीन ही है दो शरीर में और एक जीवात्मा रूप में। ये पहला स्थान भी नहीं बिगाड़ते, और जो रचना है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया, बहुत रचना है इन तीनों लोगों में, बहुत रचना है तरह तरह, वो तो छोड़ दिया, वो दूसरी जगह कहेंगे, तो और जगह कर्म में समझाए तभी बात पाने समझाया, ऐसा नहीं है एक ही ने कहा हो, जितने भी महापुरुष आए सबने कहा। अब आपको नामदान देंगे और उसमें ये बताएंगे कि आप साकार ही रहना, सुधार करो मोटी मोटी अनाज का और छोटी बड़ी सब्जियों को और सूखे गीले फलों को और घी दूध को। आप 20 बार 25 बार 50 बार भूख लगे तो खाओ, हम तो आपको मना नहीं करते, भूख लगे तो खाओ बिना भूखे नहीं, क्योंकि भूख लगेगी तो पेट खराब नहीं होगा और भूख नहीं लगेगी और खाया तो पेट खराब हो जाएगा तो आप बीमार हो जाओगे, तो खाओ सुधार करो। मोटे पसंद हो मोटे कपड़े, वाइट पसंद हो झोपड़ी में जाओ तो फूसकी बना लो, मकान चाहो मकान बना के रहो, कब मना करते हैं। खेती का काम दफ्तर का काम दुकान का मजदूरी का काम खूब करो, हमने तो मना नहीं किया, हम तो खेती को साधु नहीं बनाते, हम तो बहुत दिन हो गए कोई साधु या नहीं, यहाँ सब गृहस्थी अपना दस दिन चले गए, कोई 20 दिन रहा कोई कोई रहा घर चला गया, सब गृहस्थी रहते हैं, हमने कितनी उत्साह नहीं, ये कभी कहा ही नहीं कि तुम भी बोलते घर बार छोड़ दो और काम काज छोड़ दो और साधु हो जाओ, हमारा गुरु महाराज ने हमको नहीं पढ़ाया, घर बेटा अपना अपना काम बताना वो करो और भजन अलग है, भजन चीज अलग है तो ये काम अलग है। तो आप ऐसा समझो कि भाई किसी को साधु बना दे घर बार बच्चे बाल बच्चों को छुड़ा, ये सब ये आती है कोई नहीं कह सकता कि हमारे बाल बच्चों को मतलब छुड़ा रहे, बच्चों को बगा रहे ना बच्चियों को और ना पुरुषों को न देवियों को, आपने अपनी जगह तब नहीं तो ये भड़क जाएंगे, अगर ये भड़क जाए तो आदमी को जाने नहीं दें, अब ये भड़क तो खत्म हो गई इनकी तो बराबर बराबर है, जितने आदमी उतनी देवियाँ आप देखने को भाई, तो अभी निर्भय हो गए कि भाई ये काम तो यहाँ नहीं होता, इसका मतलब यह है अपना काम ये जरूर है ईमानदारी में, ईमानदारी मेहनत से करोगे तो तुम्हारे शरीर में यह अकारण बैल जमा नहीं होगा, ईमानदारी मेहनत घर में प्रेम एक दूसरे में जुड़ के रहेंगे, और एक मेहनत करेगा एक नहीं करेगा लड़ाई हो जाएगी, पति पत्नी लड़ाई होती है जो इतना निकटवर्ती समय पिता पुत्र में, फिर भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, रोज पड़ोस तो समाज भी बिगड़ जाते हैं, अति बिगड़ जाती है और घर भी बिगड़ता है, दुकान भी दफ्तर भी बिगड़ता है, ईमानदारी मेहनत सब जगह फलदायक है, और नहीं तो सब जगह दुखदायी है। मत करो बात अलग है, कमजोरी की वजह से कैसे हमारा घर चलेगा, अगर हम लेंगे देंगे ठगेंगे नहीं और दूसरे को चकमा धोखा नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती हो बेईमानी नहीं करेंगे, दगेबाजी तो हमारा काम नहीं चलेगा, वो तो तुम्हारी बात है, वो तो झूठ खेल है, उससे आपको आराम नहीं मिलेगा सिवाय दुख के।
दुखी बनेगा। तो ईमानदारी में रहते काम करो, हमने तो कुछ मना नहीं किया। तो हमने कहा कि हमको तो तुम समय बांट लो अपना, लेकिन 2 घंटे आइए, तो आप भजन में दे दो, उतने में तुम्हारा काम बन जाएगा।